हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबाज़ और आप देख रहे हैं एके टेक एंड ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब ये एक और टॉप थ्री का एपिसोड है जिसके अंदर आपको कुछ यूज़फुल ऐप्स बताऊँगा मैं, जो कि आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और ये ऐप काफ़ी कम स्पेस भी लेगी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको देगी। तो गाइस चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली एप्लीकेशन से। तो हमारी लिस्ट में पहली एप्लीकेशन है पेड गॉन फ्री। आप सिंपली प्ले स्टोर पर पेड गॉन फ्री लिखेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगी। आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे कि देख सकते हैं ये आ गया। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं दिया तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये ऐप की रेटिंग वोटिंग काफ़ी अच्छी है और आप इसको सिंपली, और साइज़ भी इसकी काफ़ी कम है जो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी, और 1 MB के नीचे ये ऐप है। आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में जितने भी ऐप्स हैं सब 1 MB के अंडर है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूं और मैं आपको इसका काम बताऊं तो ये सिंपली आपको इसके अंदर डेली अपडेट होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने बहुत सारे नंबर लिखे हैं, जो लेटेस्ट नंबर है वो उसमें आपको लेटेस्ट ऐप के बारे में बताया गया है। मतलब ये सिंपली आपको जो है प्ले स्टोर पर पेड होती है, जिस दिन वो फ्री होती है, मतलब कोई ऑफर के चलते वो ऐप फ्री होती है, तो ये ऐप आपको वो चीज़ बताती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें आपको बहुत सारी ऐप्स है जो आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी ऐप पे टैप करेंगे तो आपको ये ऐप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगी। तो अगर किसी ऐप पे ऑफ़र ख़त्म होता है तो वो ऐप का नाम इसमें से हट जाएगा और आपको वो ऐप नहीं दिखाएगा। आप सिंपली जो लेटेस्ट नंबर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, आप पेज को रिफ़्रेश करके देख सकते हैं, वो नंबर पर आप टैप कीजिए। मेरे केस में यहाँ पर 368 था, तो मैं उस पर टैप किया तो उस पर आपको मुझे इसने बहुत सारे ऐसे ऐप्स बता दिए जो कि अभी प्ले स्टोर पर फ्री हैं या फिर उन पर कुछ ऑफ़र चल रहे हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की दूसरी ऐप की तरफ। तो हमारी लिस्ट में दूसरी ऐप है वाया ब्राउज़र। ये एक लाइट वेट ब्राउज़र है जिसकी साइज़ सिर्फ और सिर्फ 827 KB की। आप सिंपली इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी साइज़ काफ़ी कम है और ये इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 4.5 की रेटिंग है। और बाकी बहुत कुछ इस ब्राउज़र में आपको सिमिलर मिलता है, जैसे कि आपको यूसी ब्राउज़र्स में जो सब फीचर्स आपको देखने मिले। मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ, मैं सिंपली ओपन पर टैप करता हूँ। आप देख सकते हैं जब आप ओपन करेंगे तो कुछ परमिशंस मांगेगा, आप चाहें तो दे दें, नहीं चाहें तो आप डिनाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको नाइट मोड, बुकमार्क, हिस्ट्री, डाउनलोड्स, इनकॉग्निटो मोड, शेयर, ऐड बुकमार्क, डेस्कटॉप साइट्स, टूल्स और बाकी बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशंस ऑप्शन भी मिलते हैं इस ऐप के अंदर, जो कि मैं अभी आपको कुछ देर में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये ऐप काफ़ी लाइट वेट है और इसका इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है। सेटिंग में आप जनरल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप इसमें UI, होम पेज को आप गूगल या फिर कोई और डिफरेंट साइट भी रख सकते हैं। आप टेक्स्ट साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं और भी आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप होम पेज को अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और बाकी सारी आपको थीम्स भी इसके अंदर मिल जाती है जो कि आप स्टाइल के अंदर जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी लिस्ट में दूसरी ऐप। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐप अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको एज अ क्रोम का अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये ऐप को आप क्रोम के जगह यूज़ करेंगे तो ये ऐप आपके फ़ोन की काफ़ी स्टोरेज यूज़ कर सकता है, लेस यूज़ करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्रोम बहुत डेटा और स्टोरेज को ले लेता है और जिसकी वजह से हमारा फ़ोन स्लो हो जाता है अगर फ़ोन में रैम की कमी है तो। तो गाइस हमारी लिस्ट में तीसरी ऐप है एम्प्टी फोल्डर क्लीनर। इसे आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में जितनी भी ऐप थी सब प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और साथ ही साथ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि आपके फ़ोन में अवेलेबल एम्प्टी फोल्डर डिलीट करता है। ऐप की रेटिंग यहाँ पर आपको 4.7 की देखने को मिल जाती है और 100,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये ऐप आपकी ज़्यादा कुछ परमिशंस भी नहीं मांगता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज एक्सेस की परमिशन मांगता है, जिससे कि ये डिटेक्ट कर पाए कि आपके फ़ोन में कितने फोल्डर्स है जिसे जो एम्प्टी है तो ये उसे सिंपली डिलीट करता है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन में जो इंटरनल स्टोरेज दी गई है जो कि कंपनी से आई है, सिर्फ उसका ही डेटा यानी कि उसका ही एम्प्टी फोल्डर डिलीट करता है और बाकी SD कार्ड का डेटा डिलीट नहीं करता है। तो गाइस अगर आप इसमें कोई भी फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली
यहाँ पर टैप कर दीजिए जो ऊपर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है डिलीट एम्प्टी फोल्डर, और ये आपके फ़ोन में जो भी फोल्डर एम्प्टी है वो सभी डिलीट कर देगा। ये ऐप यूज़ करना काफ़ी ईजी है, तो चलिए मैं जल्दी से आपको एम्प्टी फोल्डर पर टैप करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टैप किया और ये हमारे फ़ोन में जितने भी एम्प्टी फोल्डर है ये सभी डिलीट कर देगा, जिससे कि हमको जो फोल्डर्स है जो एम्प्टी फोल्डर है वो सभी डिलीट हो जाएंगे और हमको जो फुल फोल्डर है उसे ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एम्प्टी फोल्डर ढूंढ के अपने आप डिलीट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 327 फोल्डर मेरे फ़ोन में से डिलीट कर दिए हैं, जिससे कि मुझे थोड़ी मतलब पता चल जाएगा कि मेरा कौन कौन सा फोल्डर फुल है और कौन कौन सा एम्प्टी। जो सभी एम्प्टी होगा वो इसने डिलीट कर दिया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप 3 की सीरीज़ थी जो कि ऐप्स अंडर 1 MB थी। अगर आपको ये ऐप में से कोई भी ऐप अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप कोई और ऐप देखना चाहते थे वो हमारी लिस्ट में नहीं है तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम हमारी अगली वीडियो में उसे फीचर करेंगे।